क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 5 नंबर। यहाँ पे देखो ना, अलग अलग लगा दो ना, -1 2 1 मोड एक्स डीएक्स, और फिर प्लस -1 2 1 मोड एक्स -1 डीएक्स। तो आप बहुत अब सिंपल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे, तो इसमें आप चेक कर सकते हो, इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों पे बना सकते हो। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, -1 से 0 पर ये निगेटिव होगा, और फिर 0 से 1 पर ये पॉजिटिव होगा। फिर यहाँ पे चलो, अगर मैं 1 पे 1, अगर यहाँ पे मैं यहाँ देखूँ, इसमें -1 2 1 पे ये निगेटिव ही आएगा, ठीक है? तो -1 2 1 पे निगेटिव आएगा, तो मैं यहाँ ही पे माइनस दे दूँ क्या? यहीं पे माइनस दे देता हूँ, -1 से 1 x-1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करके पुट नहीं कर दोगे, कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको इसको इसका इंटीग्रेशन पता ही है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना। -x² / 2 -1 2 0 x² / 2 0 2 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा x² / 2 और माइनस का x -1 से 1। अब पुट करके बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए।